हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस कोस्टल ब्लॉग। तो ये ब्लॉग 6 लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो एक्चुअली मैं मदनगिरी आया था अपने बुआ सास के। तो मैं अपनी मेरी वाइफ आई थी कुछ मिलने के लिए। तो मैं यहाँ से आपके लिए ब्लॉग 6 लेके आया हूँ। इसके लिए इसमें मैं आपको ये दिखाऊँगा कि मैंने कुछ फिशेज है जो परचेज करवाई है अपने दोस्त से, जिसके बारे में मैंने आपको ब्लॉग 5 में बताया था कि लकी, तो वो आज करोल पा गया था। अरे भाई माता, तो होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो आज मैंने माइक चेंज किया है, तो मैं थोड़ी लाउडली बोलूँगा कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ जाए, ठीक है। और आपको रोड भी साफ दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आपको ये कह रहा था कि मैंने अपने लक्की दोस्त से, जो मैंने ब्लॉग 5 में आपको दिखाया था कि वो डोलबाग गया था आज, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं फिश लेने गया था, तो तेरे को चाहिए तो बता दे। तो मैंने अपने टैंक के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने टैंक रखा हुआ है, तो मेरे टैंक में फिश में 3 मछली थी। तो मैंने आपको कहा था कि लॉकडाउन खुलने के बाद मैं लूँगा, तो मैं लेने तो गया नहीं, बट वो गया था डोलबाग, तो वहाँ से परचेज करके ले आया है। तो मैं अभी लेके आ गया था, उसने मुझे फ़ोन कर दिया था कि कौन सी फिश लेनी है। मैंने फ़ोटो दिखाई, तो मैंने फ़ोटो मंगवा ली, तो उसने मुझे फ़ोटो भेज के मैंने उससे फिश मंगवा ली है। तो वो फिश लेके आ गया अपने घर में रखी हुई उसने, तो मैं वही लेने अभी जा रहा हूँ। तो मैं उसके नेहरू प्लेस मिलने का, मुझे छोटी उम्र खिलाफ मिलने का रहता है, तो वो मुझे नेहरू प्लेस फ्लाई ओवर के पास मिलेगा। तो मैं मदनगिरी से निकल रहा हूँ सीधा चिराग दिल्ली के रोड के लिए, आपसे नेहरू प्लेस में मिलता हूँ गाइस, ठीक है। तब तक आप थोड़ा म्यूजिक इंजॉय करो। गाइस ये मैं चिराग दिल्ली वाले रोड पे आ गया हूँ। लेफ्ट साइड में ये चिराग दिल्ली जाता और राइट साइड में नेहरू प्लेस के लिए मोड़ आ जाता है चिराग दिल्ली के लिए। तो मैं यहाँ से पहले यू टर्न लूँगा, ये आपको लगा। तो गाइस आप देख सकते हो लेफ्ट में मेरा नेहरू प्लेस है, तो ये जो फ्लाई ओवर है नेहरू प्लेस का, इसके लेफ्ट से हो जाएंगे हम। तो यहीं हम लक्की फ्लाई ओवर के आगे जाके वेट करेंगे लक्की का, कि अगर लक्की आ गया होगा तो कॉल करके बुलाऊंगा, कि अगर लक्की आ गया होगा तो मिल जाएगा। अगर नहीं लक्की नहीं मिला तो मैं आपको लग रहा है मुझे वो खड़ा हो रखा है, वो स्कूटी दिख रही है मुझे उसकी, वो देखो हाय कर रहा है। तो ये फ्लाई ओवर के पास मुझे मिल गया लक्की, ये रहा देखो ये स्कूटी पे है। और लक्की कितने बजे आया? ये तो गाइस ये फिश लेके आया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो गाइस, अगर आपको दिख रही होगी तो मैं आपको इसको घर में चार है ना, अरे पानी तो बहुत ज्यादा है इसके अंदर, गाइस ऑक्सीजन भर के देता है इसके अंदर, क्या गंदा पानी है। तो तूने अपने टैंक में रखा था? चल हाय कर दे, चल ठीक है फिर बाय, कल मिलता, अभी वीडियो सुबह आएगी, ठीक है गाइस। तो मैंने ये फिश गाड़ी में टांग लिए, तो आराम से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम यूटर्न ले लेते हैं, वापस चलते हैं घर। तो मैं आपको अभी तो फिलहाल मैं बुआ सास से घर जाऊँगा, तो मैं फिर आपको सीधा घर पे जाके मैं आपको दिखाऊँगा कि इस फिश को कैसे, जब नई फिश आप लेके आते हो तो उसको टैंक में कैसे डालते हो, ठीक है गाइस। तो ठीक है फिर आपको मैं घर पे मिलता हूँ गाइस, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि फिश को कैसे एक्वेरियम में डालते हैं 10-15 मिनट के टेम्परेचर के बाद, ठीक है गाइस। तो आप थोड़ा सा म्यूजिक इंजॉय करो। तो हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल डीएस कौशल। तो मैं घर आ गया फिश लेके, तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपने दोस्त से फिश मंगवाई थी, तो मैं घर पहुंच गया हूँ। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि एक्वेरियम के अंदर मैं फिश कैसे डालूंगा। तो पहले तो मैं इसका आधा पानी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ वीक पहले मैंने पानी चेंज किया था, आपको वीडियो दिखाई होगी, तो कुछ पानी थोड़ा गंदा हो गया। तो मैं आज मैं पूरा फिश टैंक साफ नहीं करूंगा, बस इसका आधा पानी निकाल के मैं फेंक दूंगा, और एक्वागार्ड का या आरओ का पानी
डालूंगा, उसके बाद मैं इसको कुछ 10-15 मिनट के लिए इस पन्नी के समेत पॉलिथिन के समेत मैं टैंक में 10 या 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, जो पानी के अंदर जो फिश के अंदर पानी है वो जो टैंक का टेम्परेचर है एक बैलेंस करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। तो पहले मैं अपना ये जो टैंक है आधा पानी इसको निकाल लेता हूँ और नया पानी डाल दूंगा। तो गाइस ये मैंने बाल्टी ले लिया, जग ले लिया, तो मैं इसका आधा पानी मैं निकाल दूंगा, ठीक है, और जो आधा पानी निकाल दूंगा और नया पानी डाल दूंगा बस, क्योंकि आप ऐसा करना चाहिए कि वीकली अगर आप पूरा टैंक नहीं साफ करना चाहते तो आप 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद टैंक का आधा पानी चेंज कर दो, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ साफ करने के बाद, आधा टैंक खाली कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो मैंने अपना टैंक आधा पानी निकाल दिया है, आप देख सकते हो, ये देखो पानी इतना था, मैंने इतना कर दिया, वो पानी मैंने फेंक दिया है और मैंने फिल्टर साफ कर लिया और शीशा साफ कर लिया, तो ये मैंने फिल्टर वाला पानी साफ पानी है, तो मैं इसके अंदर ड्रॉप कर दूंगा। गाइज आप देख सकते हो मैंने एक्वेरियम का पानी डाल दिया है, तो मैंने हाफ पानी चेंज किया है और साफ पानी मैंने दोबारा डाल दिया। तो आप वीकली में अगर आप ज़्यादा ओके बाद टाइम नहीं है कि आप टैंक पूरा साफ नहीं कर सकते हो सारा निकाल के, तो आप टैंक का पानी हाफ निकाल के और साफ पानी डाल सकते हो। तो ये भी पानी वो ज़रूरी होता है चेंज करने के लिए कि कभी कभी फिश खाना नहीं खाती है तो दिक्कत हो जाती है, पानी ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो आप अपना हाफ पानी चेंज कर सकते हो जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया है। तो जो मैं अपनी नई फिश लेकर आया था तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि उसको टैंक में 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है पॉलीथीन के समेत। तो आप देख सकते हो कि मैंने ऐसे इसको छोड़ दिया है, तो ऐसे इसको क्या होता है कि जो पानी का टेम्परेचर जो फिश के अंदर का टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाएगा बराबर। तो आप देख सकते हो मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया है। मैंने आपको बताया कि अगर आप नई फिश लेके आओ तो अपने एक्वेरियम में कैसे डालना है, तो देख सकते हो अभी भी मेरी फिश अभी एक्वेरियम के अंदर ही है, जो टेम्परेचर चेंज होने के लिए मैंने छोड़ रखा है। तो 10-20 मिनट बाद मैं इसको रिलीज कर दूंगा एक्वेरियम में। तो अभी मेरा टर्टल है, तो गाइस आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था कि ये मैंने एक टर्टल के लिए बास्किंग टाइप बनाई है, क्योंकि टर्टल खुद सेल्फ मेड कर रखी है, प्लास्टिक की कांच था, तो मैंने उस फाइबर है तो मैंने उसको एक एंगल में शेप दे रखी है कि वो एक हैंग कर रखा है मैंने तार से। तो टर्टल के लिए बास्किंग बहुत ज़रूरी होती है, कि क्योंकि बास्किंग इसलिए होती है क्योंकि टर्टल 60% पानी में रहता है और कुछ टाइम 2-3 घंटे के लिए वो अपने सूखने के लिए पानी से बाहर आता है, तो टर्टल के लिए बास्किंग बहुत ज़रूरी होती है। तो वो ज़रूरी है कि आप अपने टर्टल जब भी रखो तो एक बास्किंग बना लो उसके लिए। तो देख लो मैंने कैसे बना रखी है, तो प्लास्टिक का एक कुछ जुगाड़ किया था मैंने, तो बहुत अच्छा है कि कभी कभी बैठ जाता है ऊपर आके। तो अभी मैं आपको इसको लगा के दिखाऊंगा कि ये कैसे लगाते हैं। तो आप देख सकते हो ये मैंने तार पीछे से ले रखी है, इसको चिपका रखा है मैंने यहाँ पे कॉर्नर से फेविक्विक से, ठीक है, उसके ऊपर ग्रास लगा दिया है। तो गाइस देख लो 20 मिनट के बाद मैं अपनी फिश रिलीज कर रहा हूँ टैंक के अंदर, तो मैंने ऊपर से इसके गांठ खोल लिए, तो जितना भी पूरा पानी होगा तो साथ में इसको आप रिलीज कर देना आराम से, क्योंकि ये इसलिए करते हैं क्योंकि टेम्परेचर दोनों पानी का सेम हो जाए। तो गाइस अब मैं ये अपना टर्टल का बास्किंग एरिया लगा रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने होममेड बनाया था मैंने बता दिया आपको कैसे बनाया था, पहले मुझे लाइट हटानी पड़ेगी। बास्किंग एरिया लगा दिया अपने एक्वेरियम के अंदर, तो यहाँ से वो ऊपर चढ़ता है और यहाँ आके बैठ जाता है बास्किंग करने के लिए 2-3 घंटे के लिए, रात को यहीं आके बैठ जाता है। तो देखो मैंने अपनी फिश डाल दी है, तो आपको दिख रही होगी 2 वाइट्स लेकर आया था और 2 ऑरेंज है, ठीक है गाइज। तो जैसे तो मेरा टर्टल अभी रेस्ट कर रहा है। तो होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी, तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड वीडियो पर कमेंट जरूर कर देना गाइज, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन साइन अप, बाय बाय।